यहाँ पे चेकआउट कर दे। हर्बल केयर का ऑफिस भी दिख रहा है और हैदराबाद का भी दिख रहा है भाई। हैदराबाद पर टिकट मिली है? हैदराबाद पर टिकट मिली है कहते सत्तर सौ पचास को बस नॉन ए सी का। हाँ चढ़ी है कहते हैं टाइमिंग 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 होती दीदा पूरी है दीदा पूरी है तीन ही घंटे और ता पहला अच्छी घंटा ठीक है अच्छी चलिए आइए। टिकट हो चुकी है बुक, ब्रेकफास्ट कर लिए, टिकट लिया 1750 रुपीज़। जगन टूर्स एंड ट्रैवल्स का बस होगा, नॉन एसी है, 2x2 सीटर बस भी आपको दिखा दूंगा। मॉर्निंग से निकले थे, अभी हो चुका है, बसेस एंड ऑल डन, 220 का बस है, वेट करेंगे थोड़ा सा पीछे। अभी बाहर जाते हुए जहाँ पे बस पिकअप पॉइंट है वो बस पिकअप पॉइंट पे जाएंगे और मुझे फ़िलहाल ड्रॉप करने आ रहे भाई, इनके साथ ही चलेंगे बाइक पे। जो पिकअप पॉइंट है पिकअप पॉइंट पे जाके आपको मिलते हैं। बाइक राइड स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे चल रहे हैं। आया नहीं अभी तक के, बस अभी वक्त थे 10-15 मिनट। जो भाई आए थे ही वॉज गेटिंग थोड़ा सा लेट, तो मैंने ही कहा कि आप जाओ मैं वेट कर लूँगा थोड़ा बस स्टॉप पे। बस स्टॉप नहीं एग्जैक्टली पेट्रोल पंप ही है, पेट्रोल पंप से बाहर आके थोड़ा सा व्यू देखते। मैं सोच रहा हूँ एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर कुछ टपरियाँ नज़र आ रही है वो भी बता दो। बट बाहर चाय की टपरी नज़र आ रही है। खाना है, भूख लगा नहीं है, जस्ट हैड हेवी ब्रेकफास्ट। भाई दोबारा से जा रहे बस का वेट करने का, तो रुकेंगे जब तक के बस नहीं आते। एक बार बस आएगा तो फिर आपको बस भी दिखाते, जो सीट होगा वो सीट पे दिखाते और ये ट्रैवल जर्नी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। इट्स गुड, वाया वाया जर्नी होने वाला है यहाँ से हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई। सो हैदराबाद जाने के बाद बुक करूँगा, अगर मैंने टिकट नहीं बुक किया ऑनलाइन। लेट्स सी हैदराबाद पहुँचने का कैसा माहौल होता है, फिलहाल तो वेट कर रहा है हैदराबाद पहुँचने का। सो यहाँ से अभी आगे जा रही है, यहाँ पर बसेस रुकी हुई है, बट हम लोग जो बस पकड़ने जा रहे हैं। सो ये भाई मुझे मिले यहाँ पे, ये भी मेरे साथ ही ट्रैवल करने वाले। यहाँ पर आगे के साइड पर बस लगी हुई है कह रहे हैं, चलो देखते। एड़ा को चो वगैरह रखते हुए टायर के पास बस पेट्रोल पंप के यहाँ पे आए थे वॉशरूम पे, क्योंकि बस अभी और आधा घंटा लेट निकलेगा ऐसा कह रहे थे। सो वी आर वेटिंग दिस और थोड़ा सा मुँह पे पानी डाल के फ्रेश भी हो चुके, अच्छा लग रहा है। फिर अंदर चलते B3। ये हो गया ड्राइवर सीट, ये स्लीपर है ऊपर और ये सीटर है, ये साइड पे स्लीपर है, ये साइड पे सीटर है और मेरा सीट ये होने वाला है जगन टूर्स एंड ट्रैवल्स का। पर्दे लगाए हुए स्लीपर में, यहाँ पे नहीं है। डिटेल में आपको अगर बताओ तो चार्जिंग स्लॉट है यहाँ पे,
मैंने विंडो सीट लिया है क्योंकि विंडो सीट में थोड़ा सा नज़ारा मिलेगा। पुश बैक सीट है, बटन प्रेस कर मेरा सीट आ गया सो आई कैन रिलैक्स लाइक दिस। हैंड रेस्ट नीचे रखते हैं, आई कैन रिलैक्स लाइक दिस और बैठ के सो के जा सकते। ट्रैवल होगा 17 घंटे का, वेट करेंगे, बस चालू होने का अभी 3 बजे बस चलेगा, 2:45 हो रहा है, 3 बजे बस चालू होती हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे हैदराबाद की तरफ। जो गाड़ी मैंने बुक किया है U2+1 एग्जीक्यूटिव स्लीपर कोच है, और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नॉन एसी है, एसी वाला नहीं है। पर लाइट का स्विच है दोनों साइड पे, लाइट का स्विच दिया गया। सभी रुका हुआ है टोल पे, पहला बस चला था। दिस इज 9:04 PM, अब बस रुक गए और यहाँ पे पहला हॉल्ट है। पहला हॉल्ट सामने ढाबा वगैरह नज़र आ रहा है, रोटी वगैरह कुछ बनता हुआ, और यहाँ पे ट्रक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। देखते पूछ के कुछ गर्म ही बना रहे। भाई रोटी अच्छी, पराठा अच्छी, कितने पराठा अच्छी, पराठा अच्छी, पराठा ठीक है। ये एरिया कौन है, एरिया का नाम कौन टेलीपेटा। ये एरिया तपकीली टेलीपेटा, जब पूछा तो बताया गया। फिलहाल मैं उतर के घूम ही रहा हूँ, बस पीछे लगा हुआ है 8273। वो जगह पे भी मिल रहा था कह रहे थे, बट आई डोंट नो, यहाँ पे और एक जगह नज़र आ रहा है। थोड़ा सा रात को वॉक भी हो जाएगा, ये एरिया पे नहीं लग रहा है चाय मिलेगा, नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे ढाबे के पास चलते वापस, पेट्रोल पंप पे ढाबे के पास चल के चाय बोलते उसको। ड्राइवर ने सजेस्ट किया था ये जर्नी चल रहा है टेंपल सिटी से, सिटी ऑफ पर्ल्स या सिटी ऑफ नजीम में, यानी कि भुवनेश्वर से हैदराबाद। थोड़ा चाय, ज़्यादा कुछ मन था नहीं, पराठा था बट पराठा है नहीं, चपाती और चावल मुझे नहीं खाना, तो चाय लिया। और एक इन्फॉर्मेशन पता चला कि यहाँ पे कॉइन्स नहीं चलते, जैसे कि 1 रुपये के 5 रुपये के 10 रुपये के कॉइन्स नहीं चलते, नोट्स चलते। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी पता चला, अभी तक के नहीं पता था। सो इट्स 9:30, अभी वेट कर रहे हैं, इसके बाद में जब जर्नी आगे बढ़ेगा तब निकलेंगे। आ चुके बस के अंदर, पानी का बोतल, आगे के ट्रैवल के लिए वेट करेंगे। ठंड उतना है नहीं फिलहाल, एंजॉय करेंगे राइट। 15-20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद चालू करेंगे। एक और हॉल्ट, मॉर्निंग हो चुका है, कल रात को थोड़ा सा सो लिए थे, अब उठने के बाद वॉशरूम अगर जा रहा था वॉशरूम जा सकते, या पता नहीं बट या तो वॉशरूम जाते, थोड़ा मुँह में पानी लगाते फ्रेश हो जाते। अगर बताओ तो ये प्लेस है होटल से खाने पीने के लिए, मैं जा रहा हूँ चाय पीने,
और ये बसेस लगी है। चाय ले लिए, चाय पीते थोड़ा सा धूप पे रहते, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ठंडा था आज 4-5 बजे के आसपास। अभी 8:30 है, थोड़ा सा ठंडा है, उतना नहीं है। एंजॉय दिस, बस के पास ही है, बस रुकेगा थोड़ा वक्त शायद से, उसके बाद देखते हैं आगे जब उतरेंगे तब बता दें। फिर चाय टेस्ट करते हैं। चाय अच्छे। ये जो हाईवे नज़र आ रहा है आपको सामने, ये हाईवे NH 65 से आगे बढ़ते हुए हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। चाय पी लिए, चाय पी के थोड़ा सा फ्रेश धूप वगैरह लेके अब वेट कर रहे हैं, बस स्टार्ट हो रही है। एक बार बस स्टार्ट होगा तो आगे की जर्नी कंटिन्यू होगी। बस मेरे पीछे अब भी रुका हुआ, 10-20 मिनट्स के रुक गया रहेगा शायद से, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। शॉपिंग वगैरह करने तो यहाँ से कर सकते हैं, से आगे जाएंगे। डी मार्ट है जो तेलुगु में दिखा रहे हैं। गांधी बस स्टैंड यहाँ पे उतरे, बाराबुंडा बस स्टैंड से गांधी बस स्टैंड ये रहा। टोटल अराउंड 1027 किलोमीटर्स या 1017 किलोमीटर्स। टाइम था 11:25 अभी हो रहे, हम लोग बस पकड़े थे 3:30 बजे कल। अब इस वीडियो को यहाँ तक के ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ से नेक्स्ट जर्नी।